बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं। धीरे धीरे वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अगर मनुष्य की तरह वन में भी खेल प्रतियोगिता हो तो अच्छा रहेगा ना। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ और इस कविता का नाम है जंगल में ओलंपिक और इसके कवि हैं डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ बड़ा का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़े जनता सारी की सारी। पशु पक्षी समस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटका घूम रहा है भालू, गर्दन में फीता लटका घूम रहा है भालू। कोधे चीना डिस्क फेंक कर जीत लिए दो मेडल, 100 मीटर की दौड़ हो रही भाग रहे दल के दल। तैराकी में उद्विराज निकले सबसे आगे, कुश्ती का मैदान छोड़कर गेंदर छट भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका स्वर्ण ले गया चीता, मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। सौकंडल का भुजन सुन से हाथी जी ने उठा दिया, मारा सिंह ने उसको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरण के हिस्से में आई, सभी जानवर आगे देकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में शेर है निर्णायक, उंगली कहीं ना उड़ने देंगे सब पाएंगे अपना हक। बगले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा, मार ले गया वह स्वर्ण पदक आई न कोई बाधा। धन्यवाद।